नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं बेस्ट ऑफ पेयर। दोस्तों आज बीटीएससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के फिटर ट्रेड का एग्जाम है। कैंडिडेट लोग बाहर निकलेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि क्या कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे, क्या क्या लेवल था और कहां कहां से सवाल पूछे गए। कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक ही गया है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल का था। ये बताइए कितना हमने अटेम्प्ट किया? हम किया है 90। कहाँ से आए आप? हम कोलकाता से आए हैं। कोलकाता से आए हैं, अच्छा ये बताइए आपने हमारा एग्जाम रिव्यू देखा था क्या पहले? हाँ हाँ देखे। क्या उसे कुछ मदद मिला? हाँ मिला था। क्या मिला जरा बता सकते हैं? मैं थोड़ा वही जो हम लोग का जो 20 नंबर जो नॉन टेक आता है तो उसको लेकर थोड़ा कॉन्फ्यूजन थे जो क्या क्या आ रहा है। अच्छा। तो आप लोग का वीडियो में देखा है जैसा कि जीके वगैरह जनरल अवेयरनेस साइंस सबसे ही आ रहा है। तो जीके जी से तो था ही। अच्छा ये बताइए कि क्या ओवरऑल आपको क्या लगा पेपर, मॉडरेट हाई क्या? थोड़ा मॉडरेट टाइप का ही था। कुछ सवाल बता सकते हैं आप जो आपको टफ लगा? कुछ टफ सवाल क्या क्या आए थे? कुछ टफ सवाल जो आपको लगा? न्यूमेरिकल? हाँ न्यूमेरिकल टाइप का एक दो क्वेश्चन था। कैसा था? क्या था कुछ याद है? न्यूमेरिकल था कि ये आपका अच्छा ये बताइए नर्लिंग आपका फिटर है ना, ये बताइए नर्लिंग वगैरह सवाल थे? हाँ नर्लिंग से। इक्विपमेंट से क्या सवाल थे? इक्विपमेंट के ऊपर है जो लिस्ट काउंट वगैरह वर्नियर का। अच्छा टूल से टाइप का टूल्स था। और एक वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर क्या क्या सवाल? वर्नियर कैलिपर से था, वर्नियर माइक्रोमीटर से भी था। और कौन कौन से गेज से सवाल था? और गेज का जो चैप्टर है हम लोग का उधर से था। और क्या था सवाल याद है? इक्विपमेंट का जो रिंग गेज होता है उससे द्वारा हम क्या चेक किया जाते हैं का फिलर गेज वगैरह, फिलर गेज से भी था थोड़ा। और अच्छा ये बताइए ऑपरेशंस के बारे में था, फेसिंग टर्निंग ये सब? नहीं 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 ऑपरेशन के बारे में एक भी नहीं था, था। ना, अच्छा लेथ मशीन से क्या क्या सवाल थे? लेथ मशीन से था वो जो नर्लिंग ऑपरेशन होता है उसका एक डायग्राम दिया था तो बोल रहा था जो क्या ऑपरेशन हो रहा है नर्लिंग डायग्राम बेस्ड। और क्या सवाल थे? डायग्राम बेस्ड और एक था कि ये एक था कि वर्नियर हाइट गेज के ऊपर था। सिंबल सिंबल वगैरह सवाल थे? सिंबल वगैरह नहीं था। सेफ्टी वगैरह से सवाल? सेफ्टी से नहीं था। पीपी से? पीपी नहीं, एक भी नहीं। अच्छा ये बताइए कि स्पीड वगैरह सवाल था? स्पीड हाँ, जैसे लेथ का स्पीड कितना होना चाहिए, ड्रिलिंग का क्या क्या, क्या स्पीड होना चाहिए, ड्रिल मशीन का लेथ के लेथ मशीन के टाइप्स बताए पूछे थे कहते लेथ मशीन के टाइप? लेथ मशीन के टाइप नहीं पूछे, ड्रिलिंग मशीन का टाइप। ये जैसे ड्रिलिंग का जो रीमिंग करते हैं हाँ। तो हम लोग रीमिंग के लिए कितना ड्रिल चलाएंगे उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। और नोमेन क्लेचर के ऊपर कुछ सवाल था? नोमेन क्लेचर नहीं। अच्छा मटेरियल के ऊपर सवाल था, कास्ट आयरन स्टील का कितना हाँ, हाँ। क्या था सवाल बताइए? जैसे मेल्टिंग पॉइंट वगैरह था। और उसका प्रोसेस के बारे में था, ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है कि किस लिए? अच्छा हीट ट्रीटमेंट के बारे में था, एनीलिंग हार्डनिंग टेम्परिंग के बारे में एक क्वेश्चन ही नहीं था, एक भी नहीं था, नहीं था। थैंक यू। हाँ कैसा आपका एग्जाम? पेपर बढ़िया था, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया था, ऐसा नहीं था कि बहुत टफ क्वेश्चन रहा हो, ये बहुत हल्का भी नहीं था, बहुत ही इक्वल उसमें था कि अगर आप पढ़ के आए हैं पढ़े हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, कितना अटेम्प्ट किया? 92। आपने? 88 अटेम्प्ट किया। आपने? 80। आपने? 93। अच्छा जो था इस साल से पहले वाला का क्या था? जैसे मान लीजिए 2016 का पूछ दिया था हाँ। और एक और था जो 2018 का था, बाकी जितना करंट था वो इसी साल का फिलअप हुआ था। तो वहाँ था क्या जो आपका ट्रेड से है, जो फिटर है डीजल है जो पीछे उससे पूछा गया, उससे कहीं नहीं पूछा गया ट्रेड से सब आउट तो सवाल था ट्रेड से समाई कही गई, दैनिक समाई की से पूछी गई थोड़ी बहुत, और बाकी जीके भी तो उसमें इंक्लूड थी, तो जीके 20 मार्क्स था ना जी। सारा प्रश्न ट्रेड से ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है, थोड़ा घुमा के पूछा था यही बात, मतलब एक लाइन में घुमाना ही पड़ेगा, इतना भी नहीं घुमाएगा तो बिल्कुल हलवा।
अच्छा ये बात बताइए कि किससे ज़्यादा सवाल थे, कौन से सेक्शन से ज़्यादा सवाल थे? मेजरिंग टूल, मेजरिंग के बारे में ज़्यादा था, डबल पिन वगैरह थी। अच्छा, पिन जो होता है जो शीट मेटल में काम आता है। मेजरिंग के कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में था? माइक्रोमीटर था, वर्नियर कैलिपर था, ये सब जो है स्लिप गेज वगैरह से। लिस्ट काउंट से क्या क्या सवाल था? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछ रहा था, एक माइक्रोमीटर का पूछ रहा था, दो लिस्ट काउंट। न्यूमेरिकल का क्या क्या थे? न्यूमेरिकल में भी सर थोड़ा आरपीएम वगैरह था, सिर्फ दो ही या तीन क्वेश्चन थे उससे ज्यादा कुछ। अच्छा मशीन से क्या क्या था? मशीन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा था किसी ने? बहुत देखे प्रोग्राम। सबसे पहले निचोड़ बताए थे, मेरा नाम अमित कुमार है सर। जहाँ तक फिटर के क्वेश्चन की बात करें तो एकदम ईजी कहा जाता है, इससे ईजी नहीं हो सकता है। 4200 ग्रेड की टीचिंग का एग्जाम है तो आईटीआई से पूछ रहा तो आसान। हम आपको बता रहे हैं जैसे मशीन की फिनिशिंग करना हो, शुद्ध फिनिशिंग करना हो तो कौन सा विधि कहते हैं? लैपिंग, शुद्ध फिनिशिंग के लिए। और हॉर्निंग लैपिंग से भी सवाल थे, कितने सवाल थे उसमें? दो सवाल, दो या तीन थे। अच्छा, दो या तीन सवाल थे। और रिवेटिंग से थे, रिवेट से भी। रिवेटिंग सर, रिवेटिंग से। अच्छा कौन कौन मशीन से सवाल थे? लेथ से, शेपिंग से, प्लेनर से, किस किस से सवाल थे बताइए? जैसे लेथ मशीन से थे, टेपर टर्निंग से भी थे, ड्रिलिंग से थे। बहुत बहुआ वाला क्वेश्चन था। अच्छा सीएनसी लेथ से कुछ सवाल थे? सीएनसी से नहीं थे, सीएनसी से था ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन डाला है, 5-10 क्वेश्चन जो है रंग क्वेश्चन है। जैसे टेपर टैप में होता है निमी पैटर्न्स नहीं है कि टैपिंग करने के लिए, टेपर टैप को ही प्रथम टैप बोला जाता है, इंटरमीडिएट टैप को दूसरा टैप बोला जाता है, बोटमिन या प्लग टैप उसी का नाम है। अच्छा गलत था। और कौन कौन सा गलत क्वेश्चन था? उसी का बोटमिन टैप का ही दो नाम दिया गया है, जबकि रफर टैप का नाम ही नहीं होता है कहीं टैप में, उसमें डाला गया था। लैपिंग होनी में हाँ वो क्वेश्चन उसमें नहीं होना, उसमें अच्छा बता आप जैसे लैपिंग होनिंग में भी उस तरह से बहुत से क्वेश्चन जिसमें किसी भी चीज़ को फिनिशिंग किया जाता है तो उसके ग्राइंडिंग किया जाता है और लैपिंग भी किया जाता है, तो उसमें क्वेश्चन कौन सा एग्जाम सही सटी किया है ना, तो उसमें वो क्वेश्चन लैंग्वेज जो है लैंग्वेज टाइप में वो कौन सा क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन इसमें गलती क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है हमको तो बहुत अच्छा लगा एग्जाम देके। हाँ और बताइए किस सेक्शन से और ज़्यादा थे? जो टैपिंग के बारे में बोल रहे थे ना, टैपिंग में रफ टैपिंग भी होते हैं, जैसे जो फर्स्ट टैप को भी रफ टैप बोला जाता है। अच्छा ये बताइए कि ये टूल्स के बारे में सवाल थे, हैंड टूल्स के बारे में थे, फाइल वगैरह? नहीं नहीं, हैंड का वीडियो देख रहे थे सर, इलेक्ट्रीशियन और कोपा वाला। हम ट्रेन से आ रहे थे शिमला से, तो एक लड़का बोल रहा था कि एक मिनट सॉरी सेफ्टी से फर्स्ट चैप्टर से पूछा जा रहा है। हमने कभी फर्स्ट चैप्टर देखा नहीं था, लेकिन आपका वीडियो देखते के साथ हमने पहला चैप्टर उठाया और हकीकत में 5-7 सवाल। अच्छा क्या था सेफ्टी से सवाल जरा बताइए? 5-7 सवाल थे, सेफ्टी से थे और वर्नियर कैलिपर से थे, माइक्रोमीटर से थे, थिम्बल में कितना लिस्ट डिवीजन रहता है उससे भी थे। अब बताइए सबसे छोटी दुर्घटना को कौन सी दुर्घटना बोलते हैं? सेफ्टी से एक दो क्वेश्चन। अच्छा फैटल बोला जाता है उसको? फैटल नहीं, फैटल तो सबसे हार्ड हो गया, मर जाएगा वो वाला हो गया फैटल। चुक हो गया, जो हो गया बच गया। अच्छा ये बताइए आग वाग से रिलेटेड कुछ था? फायर हजार से? फायर से नहीं था, फायर से नहीं। इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह से? नहीं नहीं नहीं। पीपी से रिलेटेड कुछ? वो सब कोई नहीं थे, पीपी से नहीं था। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा और बताइए हैंड टूल से एक भी सवाल नहीं था? माइक्रोमीटर था, वर्नियर कैलिपर था, वो हैक्सोइंग से अभी ब्लेड का मेजरमेंट था, मेजरमेंट से था, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से संबंधित, हैक्सो ब्लेड से भी था, उसके मटेरियल के काटने के लिए टीथ का काउंट पूछा था किसी का? पूछा था वो लिस्ट काउंट पूछा था माइक्रोमीटर का, क्या फॉरवर्ड टीथ या बैकवर्ड टीथ? नहीं वो हैक्सो सब पावर सॉ से नहीं। अच्छा हैमर वगैरह स्लेज हैमर ये सब पूछा था? नहीं नहीं हैमर स्लेज से नहीं, वो क्वेश्चन था लेथ प्लम्बिंग से रिलेटेड कुछ सवाल था थोड़ा मोड़ा से था? क्या था सवाल बताइए? प्लम्बिंग से था ना क्वेश्चन, पाइप सेटिंग का, एयर कंप्रेसर से क्वेश्चन था। अच्छा ड्रिलिंग मशीन का टाइप, ड्रिलिंग मशीन का कैपेसिटी पूछा था, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का कैपेसिटी कितना होता है ड्रिल करने का वो पूछा था। अच्छा चक ड्रिल बीट ये सबसे रिलेटेड कुछ सवाल था? नहीं था, इससे नहीं था। ड्रिल लेथ मशीन पर ड्रिल बीट को कहाँ बांधा जाता है क्वेश्चन था, ठीक ना, एक तरह का क्वेश्चन था। और भी ये था क्या लेथ में स्विवलिंग ये सब क्रॉस पोस्ट से था, मतलब लीड स्क्रू कहाँ पर, लीड स्क्रू का कौन सा अच्छे को चेंज, मतलब सब घुमा फिरा के ये सोचे कि जिस तरह से हम लोग लीनियर मोशन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन लीड स्क्रू से ऐसा था। और मोशन सब कैसा कि टर्निंग वगैरह फेसिंग ये सबसे सवाल था, जैसे कोई भी साफ्ट है उसका उतार चढ़ाव जो किया जाता है उसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं ऐसा था। दो तीन क्वेश्चन लिमिट और फिट से आया था, और दो तीन चार जिग और फिट क्रॉस टर्निंग वगैरह सब सवाल था।
लर्निंग का था वो, डायमंड रनिंग का ये सब था लर्निंग। अच्छा, कोई कंपनी वगैरह से रिलेटेड सवाल थे? कोई कंपनी वगैरह के रिलेटेड मशीनरी के? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। और मशीनरी का स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड सवाल थे कि हाइट लेंथ कितना होना चाहिए, स्पीड क्या होना चाहिए, सब स्पीड से रिलेटेड सवाल थे? एक था ना कि कोई अगर कोई जॉब आरपीएम अगर दो गुना है तो उसका ये डाया दो गुना है तो आरपीएम कितना होगा, ऐसा था एक क्वेश्चन। एक टू क्वेश्चन था इस टाइप का। हेड स्टॉक टेल स्टॉक से रिलेटेड सवाल? नहीं, ड्रिल बीट किधर पकड़ा जाता है? बस वही लेथ मशीन सब वही था। और कुछ सवाल बताइए। करंट अफेयर था वो थोड़ा हार्ड था, बहुत ज्यादा, वो 21-22 का सारा। हम तो चंद्रयान ब्रिक्स और सम्मेलन ये सब किसी एग्जाम में नहीं पूछे जा रहा है, एमटीएस में भी नहीं पूछे जा रहा है, अभी एग्जैक्ट कंटेंट नहीं, 20-22 का पूछा जा रहा है। G20 G7 का होगा, ये सब का किसी का नहीं आया। 2011 का करंट का मेरा क्या सवाल था कुछ याद है? 2011 का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा था। उसके बाद एक आया था राजा राज चौल का, जो तंजेज का मंदिर जो बनाया तो किसने बनवाया पूरा, वो क्वेश्चन था। और एक हाँ, ये बांग्लादेश के जो किन्नरों महिला तो उसको सम्मान किसको मिला था, वो क्वेश्चन आया था बेसिक। और एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट कोई नदी पहाड़ झरने वगैरह बांग्लादेशी और शरणार्थियों के लिए और किन्नरों के लिए जो अच्छा काम किया उत्थान के लिए किसको मतलब अवार्ड मिला, ऐसा कुछ अवार्ड से? हाँ, वैश्विक सूचकांक से क्वेश्चन आया था 2021 वाला। हाँ, 2000 रियो ओलंपिक से पूछा था बैडमिंटन का, किसे मिला? 2016 वाला। हाँ, पीवी सिंधु का। ठीक है भैया, थैंक यू। दोस्तों, ये थी हमारी फर्स्ट एपिसोड की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन कर ले ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा करे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।